चलते समय अथवा कहीं जाते समय आपको क्या लगता है, मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, या शरीर चल रहा है, शरीर जा रहा है? कार्य करते समय शरीर काम कर रहा है या मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या अनुभूति रहती है? जैसे लिखते समय लिख रहे हैं अभी, इसमें क्या लगता है कि लेखनी से लिख रहा हूँ या लेखनी सहित लिख रहा हूँ, या लेखनी लिख रही है? नहीं, पूरा तो यही क्या है, अविवेक है। यहाँ करने वाला और करने के साधन दोनों पृथक पृथक हैं। इस कारण से जो वास्तविक अनुभूति होगी, यथार्थ ज्ञान होगा, वो ऐसा ही होगा कि मैं इससे करता हूँ। जैसे लेखनी के साथ है, मैं लेखनी से लिखता हूँ, अनुभूति भीतर ऐसी होती है। सामान्य रूप से मैं लिख रहा हूँ, ये प्रधानता रहती है, लेकिन लेखनी से लिख रहा हूँ इसमें विरोध नहीं आता। पर मैं हाथ से लिख रहा हूँ, यहाँ ये नहीं हो पाता है। मैं ही हाथ धो करके लिख रहा हूं। मैं ही आंख होकर के देख रहा हूं, मैं ही कान होकर सुन रहा हूं, मैं ही पैर होकर चल रहा हूं। ये दोनों घुल मिल जाते हैं, दोनों को एक कर लेते हैं। यही अविद्या है, यही जो है मिथ्या ज्ञान है। इस कारण से दोनों में भेद देखते रहना चाहिए। जैसे कि शरीर जो है कार्य तो करता है, लेकिन कर्ता का पूरा भाग ये नहीं निभाता है, कर्तृत्व का पूरा भाग निभाता नहीं है। कर्तृत्व का पूरा भाग क्या होता है? कार्य करने से पहले किस लिए करना है ये हो जाता है उसके पास रहता है, इसलिए ये मुझे करना है। प्रयोजन के बिना करता कोई काम आरंभ नहीं करता है। तो करता जो होता है वो सदैव प्रयोजन से युक्त होता है। जिसका प्रयोजन नहीं वो कर्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन शरीर में ये नियम नहीं बढ़ता है। हाथ कोई भी काम करते हुए प्रयोजन नहीं रखता है, इसलिए करना है। दूसरा है कि कर्म करने के बाद करता फिर उसकी समीक्षा भी करता है कि हो गया कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, जिसके लिए मैंने किया है वो हुआ कि नहीं, इसकी समीक्षा भी करता करता है। पहले तो करता ही करता है, ये होना चाहिए,
लेकिन करने के बाद हुआ कि नहीं ये भी करता है। ये तो एक हमको लेके कर ले कि अपनी से इसको लेके हाथ को, पर हम तो यहाँ पूरे शरीर को माने फिर ऐसे समझ ले कि बुद्धि में होता है। नहीं, जो कर्म हाथ से पूरा हो गया, पैर ने तो कुछ नहीं किया, पर यहाँ पूरा इकाई तो शरीर पूरा इकाई नहीं, हाथ और पैर दोनों एक अलग अलग है ना, एक तो नहीं है ये। नहीं, शरीर की दृष्टि से तो एक हो जाएगा, पूरा शरीर ले रहे हैं तो ये सब एक ही है। नहीं, पूरे शरीर से कर्म काम हो, केवल हाथ से भी कितने सारे कर्म हो जाते हैं, पैर से कर्म होते वो हाथ से नहीं होते, हाथ पैर दोनों एक तो नहीं है, एक एक ही कर्म, यानी दोनों मिल के कर्म नहीं करते हैं ना, अलग अलग भी कर्म करते। एक ही होते तो मिलके करना था, मिलके तो नहीं करते, कर्ता में ऐसा विभाग नहीं होता है, आधा कर्ता काम कर रहा है आधा नहीं कर रहा है, देख रहा है, वो पूरा ही रहता है जुड़ा हुआ। और ये जबकि जुड़े हुए नहीं रहते पूरे, हाथ से कितने सारे काम कर डालते हैं, काम पूरा होने के बाद हाथ कभी नहीं सोचता कि इससे अब मिला कि नहीं मिला मुझे, लेकिन काम होने के बाद हम सोचते हैं इससे होगा क्या, हुआ तो नहीं है, होगा कि नहीं होगा। ऐसे कहीं पर भी जाते हैं तो जाने से पहले पैर बिल्कुल नहीं विचारता है कि कहाँ जाना है, और पहुंच जाने के बाद भी नहीं सोचता है आ गया क्यों आ गया। लेकिन हम जाने से पहले सोच लेते हैं वहां जाना है, फिर जाने के बाद फिर सोचते हैं पहुंच गया, अब यहां से भी जाना है या नहीं जाना है, वहाँ जो प्रयोजन थे अब वो देखने लग जाते हैं, आया तो व्यर्थ तो नहीं आया, आने की क्रिया हुई है पैर से, लेकिन उस क्रिया का जो प्रतिफल है, फल को परिणाम है, वो यहाँ करता उससे कोई संबंध नहीं दिखा रहा है पैर। लेकिन दूसरा कोई दिखा रहा है, दूसरे को लग रहा है, यहाँ कर्म जिससे संपन्न हुआ उसको नहीं लग रहा है, और जिसको लग रहा है वो परोक्ष है, वो नहीं है, ये पैर नहीं है। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो कर्म घटित हो रहा है और जिस लिए घटित हुआ है, जिस फल के लिए वो हुआ है, कर्ता का तो उसके साथ सतत संबंध रहता है, जबकि शरीर का उसके साथ संबंध नहीं दिखता है कर्म से। इससे होता है कि वस्तुतः एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। और कई बार ऐसा भी होता है कर्म करने से पहले ही शरीर के द्वारा वो क्रिया पूरी नहीं हुई, लेकिन हमारा काम हो गया ऐसा हमको लग जाता है, यानी वो हुआ नहीं है लेकिन लग जाता है हो गया है, तो कोई बात नहीं, जबकि शरीर से हुआ ही नहीं हो, फिर ये लग जाना कि कर्म हो गया, इसका मतलब वह कहीं तो कर्म हुआ है, अन्यथा उसके हो जाने की स्थिति या अनुभूति बनती कैसे। इससे भी होता है कि वस्तुतः कर्म के आश्रय भिन्न भिन्न है, एक आश्रय में तो कर्म अभी हुआ नहीं, दूसरे आश्रय में वो हो गया,
आश्रय भेद मानने के कारण से इसका समाधान हो सकता है, और आश्रय भेद नहीं मानेंगे तो नहीं कर हो पाएगा इसका समाधान। रोटी बनानी है, अब क्या हुआ, आटा भी है, अग्नि भी है, चूल्हा भी है, सब कुछ है, अब लग जाता है कि मिल जाएगी रोटी, बन जाएगी, चलो बन गई है तो हो गया अगला काम, जबकि हाथ पैर से घुसती ही नहीं है। और कभी होती है हाथ से काम करने के बाद अनुभूति होती है ये हो गया, दोनों तरह से अनुभूतियाँ हो रही है, नहीं काम पूरा होने के बाद भी वही अनुभूति होती है ये हो गया, और कभी बिना काम शुरू हुए ही बेसिक वैसी अनुभूति हो जाती है ये हो गया। अब ये एक आश्रय में कैसे संभव है, और परिणाम समान ही होते हैं, संतुष्टि जो होती है निश्चितता उतनी होती है, जैसे भोजन के लिए बैठ जाते हैं और ये संभावना हो जाती है कि मिलेगी रोटी, तो इतना संभावना मात्र से ही संतुष्टि हो जाती है, जब जबकि खाने के बाद वो संतुष्टि होनी होनी चाहिए, और खाने से पहले जो संतुष्टि हमने कर ली, जब रोटी मिलने की संभावना थी, जैसी संतुष्टि हुई है खाने के बाद भी वैसी रहती है, उसमें नयापन नहीं आता है, पहले जैसा लगा था वैसे रह जाता है, हाँ ठीक हो गया ये काम ऐसे, और बाद में अगर आता है, पहले मान लिया था बाद में हुआ रोटी नहीं आई, और होता है कि क्यों नहीं आई, ये काम तो वहाँ हो गया और फिर कैसे हो रहा है कि ये नहीं हुआ, लेकिन शरीर से होने पर ऐसा नहीं हो सकता। एक बार हम लोग भोजन खा लिया, खा लेने के बाद कभी संशय होता है कि नहीं खाया, भोजन नहीं हुआ रह गया, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन खाने के बाद जो संतुष्टि होती है, खाने से पहले भी वही होती है, बिना खाने वाले में परिणाम तो बराबर होते हैं, लेकिन एक में संभावना है कि नहीं भी होगी वो, जबकि दूसरी में नहीं हो सकती ऐसी, इसका मतलब हुआ कि वो कर्म एक प्रकार का नहीं है, एक ही आश्रय का नहीं है, एक आश्रय में दो तरह के कर्म दो परिणाम वाले नहीं हो सकते, समान आश्रय होता है एक जैसा होना था, वो एक जैसा नहीं है, इससे ये होता है मान वस्तुतः आश्रय भेद है यहाँ, जिनके कारण से लगता है कि एक जगह हो गया दूसरी जगह नहीं हुआ है, ऐसे कई सारे कर्म अपने अनुभूति करने के लिए, जब भी हम कोई भी व्यवहार करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, वहीं ये ध्यान देना है कि पहले हम वहाँ ज्ञान में करते हैं ये काम ऐसे होना है, और ज्ञान में यदि आ गया कि ये होता है ऐसे, तो ही शरीर से वो करना शुरू, ज्ञान में ही अगर नहीं आया है तो अब हाथ पैर मारने की इच्छा नहीं होगी, यानी उस काम को आरंभ नहीं करेंगे, और इसका मतलब होता है कि कर्म जो हो रहा है वो सब वो ज्ञान पूर्वक होता है, बिना ज्ञान के नहीं होता है कर्म, जबकि शरीर हाथ पैर में कोई ज्ञान हो नहीं सकता, हाथ को उसका थोड़ी ज्ञान होता है, ये
उसका रहता नहीं है, हाथ में नहीं ज्ञान नहीं होता उस कर्म का, लेकिन कर्म बिना ज्ञान के नहीं होता, शुरू नहीं होता है। तो इससे भी ये होता है कि वस्तुतः दोनों के आश्रय अलग अलग हैं। एक वो आश्रय है जिसमें ज्ञान सहित कर्म होता है, दूसरा है जिसमें बिना ज्ञान के ही कर्म हो जाता है, अर्थात जिसमें ज्ञान नहीं है उसके द्वारा कर्म कराया जाता है, वो करता नहीं, लेकिन जो ज्ञान पूर्वक शुरू कर रहा है वो उसका करता है। अपनी जो अनुभूति होती है इसी आधार पर भिन्न भिन्न हो जाती है। करता यानी हर समय रहता है, मैंने किया, मुझे मिलना है, मुझे मिलेगा, मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये मिलना जो होता है ना हर समय मैं के साथ संबंध क्रिया का जो संबंध है वो मैं के साथ होता है कि मैंने किया, मैंने करना है, मैं कर रहा हूँ। जबकि होती हुई क्रिया देखती है हाथ पैर से हो रही है और वहाँ यह अनुभूति नहीं होती, जहाँ साक्षात क्रिया हो रही है वहाँ हाथ के रूप में हाथ में कर रहा हूँ, इस प्रकार का ज्ञान नहीं बनता। पैर के द्वारा में ये होता हो कि चल रहा हूँ, पैर रूप में चल रहा हूँ, वैसी अनुभूति नहीं होती है, मैं चल रहा हूँ ये होती है। अब ये जो मैं होता है हाथ पे, हाथ आदि भी मैं में आ जाता है पैर के साथ, जबकि वैसे हाथ पैर दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। हाथ तो खड़ा रहता है पैर चलता रहता है, कभी हाथ काम करता रहता है पैर बैठा रहता है चुपचाप खड़ा रहता है। तो अगर दोनों एक ही होते तो क्रिया भेद नहीं होता, क्योंकि तो क्रिया का नियम होता है क्रिया एक साथ पूरे द्रव्य में होती है, एक द्रव्य में एक साथ एक ही क्रिया होती। क्रिया में भेद यदि हो रहा है तो क्रिया हो रही है एक साथ, इसका मतलब है वहां दो द्रव्य है। क्रिया कभी भी अपने आश्रय का अतिक्रमण नहीं करती, यानी दो द्रव्य में एक क्रिया नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, दो द्रव्य में दो क्रिया होगी, एक क्रिया हो रही है उसका मतलब एक द्रव्य है वहां या तो जुड़े हुए हैं। ऐसे है यहाँ पर, एक में क्रिया हो रही होती है एक में नहीं हो रही होती है, इससे भी होता है कि हाथ पैर आदि जो है अलग अलग है। ऐसी कई जितने भी हम कार्य करते हैं इन कार्यों को करते समय हमारी अनुभूतियों में अंतर होता रहता है, भेद आता है, और वही अनुभूतियाँ हमको शरीर से भिन्नता भी दिखाती रहती है या संकेत करती रहती है, यहाँ हो रही है यहाँ नहीं हो रही है, इतनी हो रही है इतनी नहीं हो रही है। वस्तुतः कहीं कहीं पर जैसे हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, अब गाड़ी चलने लगती है तो गाड़ी में जो केवल बैठा हुआ है उसको तो लगता है कि गाड़ी मुझे ले जा रही है, लेकिन चालक को नहीं लगता है गाड़ी मुझे ले जा रही है, उसको ये लगता है कि मैं चला रहा हूँ। नहीं, जाना क्रिया दोनों में समान है, बैठे हैं जो बैठा है केवल गाड़ी में और जो चला रहा है, जाना तो दोनों का एक जैसा हो रहा है, एक साथ हो रहा है, लेकिन दोनों की अनुभूति में अंतर होता है। चालक को कभी नहीं लगता है गाड़ी मुझे ले जा रही है, उसको हर समय लगता है मैं ले जा रहा हूँ इसको,
लेकिन बैठने वाले को कभी नहीं लगता है कि मैं ले जा रहा हूं, मैं इससे जा रहा हूं या इसमें बैठ करके मैं जा रहा हूं, ऐसा लगता है। हाँ, मुझे ले जा रही है उसको उस रूप में नहीं लगेगा, क्योंकि वस्तुतः गाड़ी अपने आप कहीं जा नहीं सकती। गाड़ी चल तो सकती है लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती है, गाड़ी केवल चला करती है, कहीं पे जाया नहीं करती है, उसको पहुंचाया जाता है, उसको कोई पहुंचाने वाला नहीं होगा तो कहीं नहीं पहुंचेगी, चलती भले रह जाएगी वो। तो ऐसा यहाँ भी भेद इसीलिए हो जाता है कि गाड़ी और चालक में भेद होता है। चालक के पास जो होता है गंतव्य पहले से रहता है और अंत तक रहता है, गाड़ी के पास गंतव्य होता ही नहीं, कहाँ जाना है ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी से निकाल होते हैं। इस प्रकार से है कि गाड़ी कहीं ले नहीं जाती, कहाँ जाना है पता ही नहीं उसको, जबकि जाना हर समय ज्ञान पूर्वक होता है, यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है, इधर जाना है इधर, तो गमन क्रिया जो होती है वो गंतव्य से संबद्ध होती है, गंतव्य से असंबद्ध गमन क्रिया होती नहीं है। लेकिन गाड़ी से जो हो रहा है उसमें गंतव्य का संबंध नहीं होता, लेकिन वहाँ औपचारिक कथन होता है कि बस वहाँ जाती है, रेल वहाँ जाती है, वस्तुतः रेल वहाँ जाती नहीं है, रेल को वहाँ ले जाया जाता है, बस को वहाँ ले जाया जाता है, ऐसे औपचारिक कथन बाहर भी हो जाता है, व्यवहार में ऐसे औपचारिक कथन होते हैं। यही औपचारिकता क्या है, वस्तुतः हमारे शरीर में भी है, लेकिन ये औपचारिक होते हुए भी ये प्रधान हो जाता है। ऐसा कर क्योंकि गाड़ी और चालक यहाँ तो उतर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मिलते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, और ये नहीं होता, एक ही बार बैठते हैं और एक ही बार निकलते, ये संयोग विभाग बार बार नहीं होने से यहाँ क्या होता है, वो औपचारिक जो है वो प्रधान हो जाता है। इस क्रिया में भेद नहीं, बाहर शरीर में इसी प्रकार अन्य कारणों से पृथकता स्पष्ट नहीं हो पाती है, लेकिन वैसे जो सूक्ष्म रूप में दिन रात स्पष्टता के लक्षण इसमें प्रकट होते रहते हैं। इस आधार पर इन्हें इस प्रकार से विचार करते करते रहने से शरीर और आत्मा का भेद धीरे 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 स्पष्ट होते रहते हैं, ऐसे ही विचार करना चाहिए।